आज मैं आपको एक पैटर्न, नंबर पैटर्न दिखाने वाली हूँ। ये वो नंबर पैटर्न है, तो उसका एक्सप्लेनेशन हमने देखेंगे। तो यहाँ पे ये नंबर पैटर्न है, इसमें नेस्टेड फॉर लूप यूज होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट तो हमें एक्सेप्ट करना है कि हमको कितने लाइंस चाहिए। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स रोज कितने चाहिए हमको एक्सेप्ट करना होगा। हमको पहले स्कैनफ एन करना है, उसके बाद अभी 9 रोज है तो यहाँ पे 9 नंबर्स आए हुए हैं। तो ये एक यहाँ पे ट्रायंगल है, ये फर्स्ट इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे वो एक से डिक्रीमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट 9, फिर 8 7 6 5 अप टू 1, और यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है वो रिवर्स है, 9 से स्टार्ट हो रहा है 9 8 7 6 5 और 1 पे एंड हो रहा है, और फिर वो भी डिक्रीमेंट होते जा रहा है 9 8 7 अप टू 1, लेकिन रिवर्स, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, वही रिवर्स हो रहा है और डिक्रीमेंट हो रहा है। अभी फर्स्ट तो फॉर लूप लगेगा, वो कितने रोज हमको चाहिए उतने रोज का वो नेक्स्ट लाइन के लिए वो फॉर लूप लगेगा, आउटर फॉर लूप। यानी एन की वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आउटर फॉर लूप लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर लूप लगेगा कि हमको ये प्रिंट करना है। तो फर्स्ट तो 9 8 7 6 ऐसे ये इंक्रीमेंट हो रहा है, वो प्रिंट करने के लिए हमको एक फॉर लूप लगेगा। उसको इनिशियलाइज हम 1 से करेंगे और वो 9 तक इंक्रीमेंट होगा, उसके लिए एक फॉर लूप लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्पेस के लिए, अभी यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, फर्स्ट 0 स्पेस आएगा और यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी यहाँ पे जो सेकंड रो है उसमें 2 स्पेस है, थर्ड रो में 4 स्पेस है, देन 6, यानी 2 से इंक्रीमेंट होते जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग इनर फॉर लूप लगेगा, और उसके बाद थर्ड फॉर लूप लगेगा, वो रिवर्स हमको प्रिंट करना है। ये नंबर जो है उसके लिए हमको एक फॉर लूप लगेगा जिसमें कि वो 1 से डिक्रीमेंट होते जाएगा वो पिरामिड पैटर्न। तो अभी उसके लिए फर्स्ट हम फॉर लूप देखेंगे। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है, ये आउटर फॉर लूप है, हमको एन की वैल्यू कितने रोज चाहिए वो एक्सेप्ट करना है, फिर 0 से स्टार्ट होके वो अप टू एन कितने रोज है उतना वो प्रिंट करेगा। तो उसके लिए वो आउटर फॉर लूप लगेगा। तो हम अभी एक्चुअल प्रोग्राम देखेंगे। अभी यहाँ पे हमको फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, INT, हमको फॉर लूप लगेंगे, इनर फॉर लूप आउटर फॉर लूप, उसके अकॉर्डिंग मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ। उसके बाद N कितने रोज चाहिए और I हमको काउंटर लगेगा। उसके बाद हमको रोज एक्सेप्ट करना है कि हमको कितने रोज चाहिए, तो उसके लिए एंटर द नंबर ऑफ रोज स्कैनफ यहाँ पे एन की वैल्यू एक्सेप्ट होगी वेरिएबल, उसके अकॉर्डिंग हमको आउटर फॉर लूप लगेगा। फॉर हम और एक वेरिएबल लेंगे, आर इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज हुआ, वो अप टू कहाँ तक जाएगा, कितने रोज चाहिए, लेस देन एन, देन आर प्लस प्लस मीन्स एन रोज तक वो डिस्प्ले करना चाहिए, इसलिए हम वो आउटर फॉर लूप कितने रोज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। उसके बाद एक्चुअल लॉजिक देखेंगे। अभी यहाँ पे हमको
नेक्स्ट इनर लूप देखना है। फर्स्ट आउटर लूप देखा, अभी नेक्स्ट जो इनर लूप है वो हमको क्या करना है कि नंबर डिस्प्ले करना है 1 to 9। हमने देखा कि हमको फर्स्ट 1 to 9 नंबर्स डिस्प्ले करना है। 1 to 9 मीन्स एन अगर हमने 7 एंटर किया, 7 रोज चाहिए तो 7 तक हमको डिस्प्ले करना है। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ एन हम नंबर डिस्प्ले करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो काउंटर 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो कौन सा भी पिरामिड 1 से स्टार्ट हो रहा है और क्या हो रहा है पैटर्न 1 से एंड हो रहा है। इसलिए आई इज इक्वल टू 1, हम लोग ने एक वेरिएबल लिया है काउंटर, वो स्टार्ट हो रहा है 1 से। फिर इनर फॉर लूप जो है वो हमने कितने नंबर्स लेना है अकॉर्डिंग टू रो, फिर वो स्टार्ट एन से किया है अप टू वो कहां तक जाएगा आर की वैल्यू। आर मीन्स फर्स्ट रो है, तो इसके लिए फर्स्ट रो है सेकंड रो है वो डिक्रीमेंट होते जा रहा है, इसलिए हम लोग ने सी माइनस माइनस लिया है। अकॉर्डिंग टू रो क्या हो रहा है वो डिक्रीमेंट हो रहा है। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू तो 1 है, फिर वो प्रिंट करेगा फर्स्ट 1, उसके बाद वो इंक्रीमेंट होते जाएगा 1 2 3 4 अप टू वैल्यू ऑफ एन। तो इसके लिए सेकंड फॉर लूप लगेगा, तो हम वो एक्चुअल प्रोग्राम में लिखेंगे। अभी यहाँ पे हमने एक काउंटर लिया है आई इज इक्वल टू 1, 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है। उसके बाद सेकंड जो फॉर लूप है फॉर इनर फॉर लूप वो स्टार्ट हो रहा है, सपोज हमको एन से स्टार्ट करना है क्योंकि हमको 7 है तो 7 रोज करना है डिस्प्ले। उसके बाद अप टू सी इज ग्रेटर देन आर, अप टू आर मीन्स अकॉर्डिंग टू रो हमको डिस्प्ले करना है। उसके बाद वो क्या हो रहा है डिक्रीमेंट होते जा रहा है। उसके बाद फर्स्ट हमको वैल्यू डिस्प्ले करना है आई की वैल्यू दैट इज 1, देन परसेंटेज डी आई, देन आई प्लस प्लस। तो यहां पे क्या होगा वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, फर्स्ट 1 है फिर वो 2 3 अप टू एन वो डिस्प्ले करते जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट लॉजिक देखेंगे। अभी यहां पे हमको नंबर हमने डिस्प्ले किया, उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर लूप आएगा वो स्पेस के लिए आएगा। फर्स्ट तो हमने देखा कि 0 स्पेस है, अभी यहाँ पे एस इज इक्वल टू 0, देन एस इज लेस देन आर इंटू 2, अगर फर्स्ट रो है तो उसकी वैल्यू 0 है, 0 इंटू 2 मीन्स यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा। फिर वो हमेशा क्या हो रहा है स्पेस 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ आर इंटू 2 लिखा हुआ है, तो स्पेसिंग 2 से बढ़ते जा रहा है। तो अभी हम यह लॉजिक देखिए, अभी यहां हमको नेक्स्ट फॉर लूप लिखना है फॉर एस इज इक्वल टू 0, देन एस इज लेस देन आर इंटू 2, देन एस प्लस प्लस और हमारा स्पेस आएगा यहाँ पे। तो हम ये फॉर लूप स्पेस के लिए लिख रहे हैं जो कि 2 से इंक्रीमेंट होते जा रहा है। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट लॉजिक देखते, अभी हम यहाँ पे और एक लूप लेंगे। अभी यहाँ पे हमने 1 to 9 रोज लिया है, तो 1 to 9 डिस्प्ले हो गया, फिर स्पेस आ गया, उसके बाद हमको 9 to 1 डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, फर्स्ट तो आई की वैल्यू यहाँ पे सपोज 9 रोज लिया है तो यहाँ पे 10 हो गई, तो इसलिए हमने आई माइनस माइनस लिखा है, वो 1 से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। फिर उसके बाद वही फॉर लूप लिया है सी इज इक्वल टू एन देन सी माइनस माइनस, क्योंकि हमको जितने रोज हैं उतने हमको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल है 1 to 9, ये हमने डिस्प्ले किया, फिर स्पेस यहां तक हम आ गए हैं। फिर अभी नेक्स्ट फॉर लूप है वो किसके लिए आएगा, तो आई माइनस माइनस 10 है तो हमने 9 कर दिया, अभी हमको यहां से यहां तक के नंबर डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए सेम फॉर लूप आया सी इज इक्वल टू एन ग्रेटर देन
आर सी माइनस माइनस आई हमने डिस्प्ले किया, दैट इज 9, 10 है तो 9 डिस्प्ले हुआ। उसके बाद वो क्या डिस्प्ले करेगा 9 के बाद, 8, तो इसके लिए यहाँ पे आई माइनस माइनस आए, तो वो क्या होगा 9, 8, 7 अप टू 1 तक वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो ये फॉर लूप है, वो ये रिवर्स का जो पैटर्न है वो डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद वो जब फॉर लूप ये फॉल्स होगा तो वो फॉर लूप के बाहर आएगा और उसके बाद वो नेक्स्ट रो में जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे स्लैश एन है टू प्रिंट नेक्स्ट लाइन, और फिर से वो आउटर फॉर लूप में जाएगा, ऐसे वो डिस्प्ले करते रहेगा। तो अभी हम एक्चुअल लॉजिक देखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। अभी यहाँ पे हमको आई माइनस माइनस 1 से डिक्रीमेंट करना है, और उसके बाद हमारा और एक इनर लूप आएगा फॉर सेम, हमको लिखना है c इज इक्वल टू n, c इज ग्रेटर देन r, c माइनस माइनस, उसके बाद हमको प्रिंट करना है i की वैल्यू, प्रिंट एफ परसेंटेज डी देन आई प्रिंट करना है हमको, और फिर वो 1 से डिक्रीमेंट हो रहा है आई माइनस माइनस। इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे फॉर लूप जो इनर फॉर लूप है वो कंप्लीट होगा, फिर आउटर फॉर लूप में क्या आएगा कि वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर रहा है, देन प्रिंट एफ स्लैश एन, तो यहाँ पे आउटर फॉर लूप कंप्लीट हो गया, जैसे यहाँ प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो हम एग्जीक्यूट करके देख, तो हम यहाँ पे एंटर द नंबर ऑफ रोज, हमको कितने रोज डिस्प्ले करना है, सपोज 9 जो हमने एग्जांपल देखा है, तो यहाँ पे सेम 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 एंड अप टू 1, ये फिर पैटर्न डिस्प्ले हो गया। अभी तो हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे, सपोज हमको 5, तो जितने हमको रोज चाहिए उतना हमको नंबर ऑफ पैटर्न जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो आप और इनपुट लेके देखिए और रोज डिस्प्ले कीजिए। तो मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कुछ कमेंट कीजिए, और मेरे बेल, यहाँ पे जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देन गुड बाय।